दोस्तों नमस्कार। राशन कार्ड में नया नाम अगर आप ऐड करना चाहते हैं, चाहे आप अपना परिवार का करना चाहते हैं, जैसे कि आपने एक नया शादी किया है और उसका नाम आपको ऐड करना है, या तो फिर अपने बच्चे का नाम आप ऐड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऑनलाइन कम्प्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिर्फ आप अपना मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे सकते हैं और जिसमें 48 घंटे का टाइम लगता है। 48 घंटे के बाद जो है अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो राशन कार्ड में आपका नाम जो है ऐड हो जाता है। जो भी आपको पहले से यूनिट मिल रहा था, जो भी राशन आपको दिया जा रहा था, उसमें एक नाम आपका जुड़ जाएगा तो आपका जो राशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसमें यूनिट आपका ऐड हो जाएगा। तो अगर आप भी अपना राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। सो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। ऑनलाइन राशन कार्ड में नया नाम अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो सिंपल से आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही आप लिख कर सर्च करेंगे, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कार्ड होल्डर लॉग इन, दूसरे नंबर पर चेक अप्लीकेशन स्टेटस। तो अगर आप अपना कार्ड होल्डर पर लॉग इन करना चाहते हैं तो पहले नंबर पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट पहले से दे रखा है तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे नया नाम जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए कार्ड होल्डर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम कार्ड होल्डर पर क्लिक करते हैं, यहाँ इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने कुछ इस तरह के यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो सबसे पहले राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे झारखंड लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ पे झारखंड स्टेट का सिलेक्ट किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने राज्य को जरूर ही सिलेक्ट कीजिएगा, चाहे आप यूपी का कर रहे हैं, दिल्ली, राजस्थान, जहाँ का भी आपको करना है वहाँ का आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे अपना कार्ड का जो नंबर है उसको डालना है, राशन कार्ड का नंबर। उसके बाद आपको अपना कार्ड का टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कौन सा आपको कार्ड मिला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड में क्या करना है, जिसके नाम से भी कार्ड है उसका आधार नंबर यहाँ पे 8 डिजिट आपको डालना है। ये सारा प्रोसेस मैं अभी फिल करने वाला हूँ, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि लास्ट का 8 डिजिट आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। सो फ्रेंड देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सभी ऑप्शन को यहाँ पे फिल कर दिया है। सबसे पहले मैंने अपना राशन कार्ड का नंबर डाल दिया, उसके बाद राशन कार्ड का जो टाइप है कैटेगरी उसको भी यहाँ सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड में जिसके नाम से कार्ड है, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे 8 डिजिट का जो पासवर्ड है, आधार नंबर होता है, वो आधार नंबर भी हमने फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने कैप्चर को बड़े ही ध्यान से फिल कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल से जैसे ही मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो इनवैलिड कैप्चर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लेना है, जो कैप्चर को आपको बड़ा ही ध्यान से डालना है। कैप्चर यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल दोनों पे आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने फिर से यहाँ पे कैप्चर देख लिया और लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो राशन कार्ड डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम अपने कार्ड में यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, परिवार के सदस्य को नाम जोड़े। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ हम कर सकते हैं। अगर डीलर में कोई परिवर्तन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मेंबर को ट्रांसफर करना है, कि मान लिया जाए कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड पे है, अब उस परिवार मेंबर को आपको किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करना है, उसका शादी हो चुका है और ससुराल चली गई है, तो उसमें अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका नाम को भी यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। आधार नंबर अगर किसी का भी गलत हो चुका है तो आधार नंबर को आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। सदस्य के नाम में अगर कोई त्रुटि है, कोई गलत है, तो उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। मुखिया का परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया। और यहां पर और एक ऑप्शन नया एक आ चुका है, जिसमें आपको बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई फॉर पेट्रोल सब्सिडी, जो कि झारखंड सरकार की ये निकाला गया था। इसमें बताया गया था कि अगर आपके पास बाइक है और अगर आपके पास राशन कार्ड भी है तो आप आपको क्या पूरे महीने के अंदर जितने भी पेट्रोल लेंगे उसमें सब्सिडी आपको मिलेगा। इसके लिए यहां से आपको अप्लाई करना होगा। तो मैं यहां पे सिंपल सा दिखा देता हूं पहले नंबर पे कि नया सदस्य का नाम आपको कैसे जोड़ना है। तो इसके ऊपर जैसे ही सिंपल से क्लिक करेंगे, यहां पे जितने भी कार्ड होल्डर हैं सबका नाम यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा। नीचे आपको एक फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म को आपको सही सही फिलअप करना है। हमारे केस में यहां पे फॉर्म इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया यू हैव ऑलरेडी वन द रिक्वेस्ट पेंडिंग
ऑल न्यू मेंबर यू हैव नॉट कैन नॉट अनदर मेंबर आफ्टर द पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, यानी कि आप पहले एक रिक्वेस्ट दे चुके हैं और वो अप्रूवल जब तक नहीं होता तब तक एक नया मेंबर के लिए आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आगे का प्रोसेस नहीं करके दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, बट अगर आप ऑनलाइन नाम जोड़ना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के माध्यम से एकदम 100% मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है। अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।